हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आइए अब इस वीडियो में दो एंट्रीज और करते हैं। आप अपना असाइनमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनवरी 2 में हमने कैश परचेजेस की है और जनवरी 5 में हमने किसी मिस्टर मोहन से क्रेडिट परचेजेस की हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास दो एंट्रीज हैं जो इस वीडियो में हम करेंगे। तो जैसा कि आपको असाइनमेंट में इंडिकेट किया गया है, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस दोनों के लिए डेट तो चेंज होगी हमेशा F2 करके, और साथ में जो है F9 जो परचेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको शायद पहले भी इंडिकेट किया गया था, ये है ना F9 परचेजेस के लिए। तो परचेज अब हम कर रहे हैं, तो वीडियो नंबर 12 में हम F9 का यूज़ करेंगे और दो एंट्रीज हैं, दोनों साथ साथ आ रही हैं, तो कैश परचेज भी हम उसी में करेंगे और क्रेडिट परचेज भी इसी में करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए अपने टैली पर वापस चलते हैं और यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो हमने ये किया F9। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, काफ़ी डिटेल्ड है ना। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन तो है लेकिन ये इनवॉइस वर्जन है, हमें वाउचर वर्जन पे जाना है। यानी अभी हम डिटेल्स के साथ एंट्रीज करना नहीं सीख रहे, वो मैं आपको और एक दो वीडियो सीरीज जब स्मॉल सिंपल क्वेश्चंस की कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको करवाऊंगा। करना हमें हर चीज है, मैक्सिमम डेप्थ तक टैली सीखना है, लेकिन हर चीज को करने का एक धीरे धीरे सिंपल तरीका है। तो हमें इसको चेंज कैसे करें, इसको वाउचर मोड पे कैसे लाएं? एक तो ये है कि एज वाउचर यहाँ पर मैं लिख दूँ, और एक मैंने असाइनमेंट में जैसे दिया हुआ है आपको कि गो टू वाउचर मोड के लिए आप कंट्रोल प्लस वी दबा सकते हैं। यानी हमारे पास दो चॉइस हैं, हम एज वाउचर भी कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर ये पॉइंटर मेरा गया एज वाउचर, या कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अभी मैंने इसको क्लिक किया तो मैं यहाँ पर अब ये वाउचर नंबर पर चला गया। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी टीम से जो इमेज लेती है, इसको आप इमेज नंबर 1 ले लें इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, परचेज नंबर 1। ये एक तरह से वाउचर मोड पे हमारे को नज़र आ रहा है जिसमें हमें एंट्री करनी है, तो दिस इमेज शुड बी अवेलेबल इन द असाइनमेंट नाउ। अब हम वापस असाइनमेंट पे चलते हैं, तो ये वाउचर मोड ले लिया, तो हमें वॉइस इनवॉइस नंबर जो है अभी इग्नोर करना है। मैंने जैसा कहा मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सिंपल एक बुकिश क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। और पार्टी नेम में अभी हम कैश ही लिखेंगे, ये आपने सीखा भी होगा जब जनरल एंट्रीज बताई थी, है ना। तो इसका अदरवाइज वर्जन जो है और डिटेल वर्जन जब हम पढ़ेंगे तब वो कई बार बताएंगे कि कैश परचेजेज में भी हम कई बार पहले पार्टी के नाम पर ले लेते हैं। तो अभी खैर फिलहाल हमने क्या किया कि सीधा सीधा उसको कैश परचेजेस दिखाना है, पार्टी का नाम नहीं लेना, तो पार्टी नेम में हम कैश ले लेंगे। परचेज लेजर तो ऑब्वियसली परचेज ही है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जो एक जनरल रूल भी है कि बाय का मतलब डेबिट एंट्री होता है और टू का मतलब क्रेडिट। टू तो आप समझते हैं ना जनरल एंट्री करते हैं, जैसे सपोज सैलरी टू कैश, तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है। तो बाय और टू करके कई बार टैली के अंदर एंट्रीज आती है, तो यू शुड बी क्लियर दैट बाय इज डेबिट एंड टू इज क्रेडिट, भूलना नहीं है इसको, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सप्लायर नंबर जैसे मैंने कहा इसको खाली छोड़ना, तो सिंपल आप एंटर कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब हमें टू देना है। अब ध्यान से देखिएगा जो हमारी जनरल एंट्रीज है वो है परचेज टू कैश, ये है ना। तो अभी इसमें हमने टू में कैश लेना है, करेक्ट, ये हमने कैश ले लिया और इसको एंटर करते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें अमाउंट एंटर करेंगे, कैश है हमारा 10,000, ये मैंने एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा बाय, बाय में हमें लेना है परचेज, है ना, मैंने भी बताया था। आप कहेंगे सर तो देखने में उल्टा लग रहा है, जैसे भी टैली कर रहा है, टैली का अपना सिस्टम है। तो टू उसने पहले दिया, क्रेडिट किसको किया, पर कैश को किया, है ना। और हमने कैश से खरीदा, क्या खरीदा हमने, परचेज किया है, सिंपल परचेज के अंदर परचेज लिया हमने, कोई अलग अलग तरह के परचेज नहीं बनाए हुए कि रॉ मटेरियल परचेज या फिनिश गुड्स परचेज, अलग अलग परचेज अकाउंट्स हो सकते हैं, तो अभी हमने सिंपल एक परचेज ही लिया है। तो अब हमने उसको डेबिट कर दिया। तो परचेज आप देखेंगे जनरल एंट्री जो आपके पास मॉड्यूल के अंदर एक तरह से वीडियो नंबर 8 में जो हमने डिस्कस की थी वहां पर अगर हम देखें, मैंने खोल के रखी हुई अपने सामने फ्रैंकली, तो परचेज अकाउंट में 10,000 डेबिट है और कैश में 10,000 क्रेडिट है। इसको एंटर किया, अब बोल रहा है नरेशन, नरेशन में हम टाइप करेंगे बींग कैश परचेजेस, और ज़्यादा कुछ है नहीं, एंटर। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो रही है एंट्री, तो इसको एक एंट्री को कैश परचेजेस, ये जो जनवरी 2 की एंट्री है, ओ आई एम सॉरी, इसको मुझे नो करना होगा, मैंने इसमें डेट चेंज नहीं की, मैं इसकी डेट चेंज करना भूल गया हूँ, F2 करके मैं इसकी डेट चेंज करूंगा। इसने 1 तारीख से 2 तारीख अपने आप ली, 2 जनवरी 2018, अब मैंने इसको एक्सेप्ट किया, अब मैं इसको एक्सेप्ट करने के मूड में हूँ। ये डेट ऊपर 2 जनवरी 2018 नज़र आ रही है,
कैश 10,000 क्रेडिट है, परचेज 10,000 डेबिट है, नाउ इट इज़ ऑल कंप्लीट। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, एंटर करते हुए जा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें और ये नरेशन, और अब ये मेरे से पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो मैं बोलूँगा यस एक्सेप्ट। अब ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मुझे नेक्स्ट एंट्री है जो कि मोहन से मैंने क्रेडिट परचेजेस किए उसकी एंट्री करनी है। अब ध्यान से देखिएगा अपने असाइनमेंट में, तो जनवरी 5 की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 का उधार माल खरीदा है मिस्टर मोहन से 6,000 रुपये का। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं, इस बार गलती ना हो इसलिए मैं पहले डेट चेंज करता हूँ, और इस बार मुझे डेट चेंज करके करनी है इसकी 5। ये अपने आप एक डेट बढ़ाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमने इसको चेंज करना है 5 जनवरी 2018। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन है, ये 5 जनवरी 2018। इनवॉइस नंबर मैंने कहा था ब्लैंक छोड़ दो, 2 में इस बार मोहन है। जैसे मैंने एम डाला ये मोहन के ऑप्शन दिखा रहा है, हमने इसको एंटर किया। इस बार जैसे मैंने कहा ना, ये देखो एड्रेस, स्टेट, टाइप ऑफ डीलर, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज क्रिएट करूंगा 10-12 वीडियो के बाद आएगी, तो उसमें मैं ये सारा समझाऊंगा, फिलहाल अभी छोड़ते हैं। तो मोहन जो है वो 6,000 से क्रेडिट है, मैंने 6,000 की एंट्री इसमें कर दी एंटर। इस बार वो पूछ रहा है कि हमारा एडजस्टमेंट क्या है। अभी आप सब में ऑन अकाउंट करते जाएं, जहां कहीं भी अभी फिलहाल अगली 2-4-5-7 वीडियो में जहां कहीं भी वो इस तरह से कुछ पूछे, आप ऑन अकाउंट को प्रेस करें, बाद में मैं समझाऊंगा इसका क्या करना है। बाय बाय में हमारे पास परचेज अकाउंट है, हमने पूछा, इसने एंटर किया, नेम ऑफ आइटम वगैरह अभी हम नहीं डाल रहे। 6,000 हमारा डेबिट परचेज से हो गया, क्रेडिट हमारा मोहन हो गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने पिछली एंट्री में 10,000 की कैश परचेज की थी और 6,000 की मैंने यहाँ मोहन से ले ली, तो अब ये मेरा जो परचेज खर्चा है ये 16,000 डेबिट हो गया। देख रहे हैं आप, मतलब अगर आपको फिगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इफ़ यू कैन नोटिस इट, इट विल बी वेरी नाइस कि आप देखेंगे परचेज एकदम एंट्री करते ही करंट बैलेंस 16,000 डेबिट दिखा रहा है, यानी कि हमने 16,000 की परचेजेस कर ली हैं। अब मैंने इसको एंटर किया, मैं नरेशन में लिखूंगा बीइंग क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर मोहन, एंटर। अब ये एक स्क्रीन जो है, एक स्क्रीनशॉट आपके असाइनमेंट में होना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट दिया होगा, तो इसको मैं अब कर रहा हूँ यस, एंड देन दिस एंट्री इज कंप्लीट। सो हेयर कंप्लीट्स माय वीडियो नंबर 11, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिकली, इसके अंदर मैंने आपको कैश एंड क्रेडिट परचेजेस दो चीज़ें जो है वो आपको सिखाई हैं, है ना, जनवरी 2 एंड जनवरी 5 की एंट्रीज मैंने आपको करके बताई हैं। आगे इसी तरह से एक एक करके मैं आपको एंट्री सिखाते जाता हूँ। थैंक यू।